राम राम जी। सारे नहीं बज गए हैं सवेरे के 8:30। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, उस दिन पूरा हमने बैकयार्ड तैयार कर दिया था। देख सकते हैं आप, ये हमने बिछा रखी है यहाँ पर कुर्सियाँ, हमारे पीछे छोटी सी हट। तो आज जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पर कोई घास नहीं है। जो भी था अनवांटेड प्लांट्स या कुछ भी था, वो सारा रिमूव कर दिया था उस दिन, ताकि नए सिरे से दोबारा हम घास उगाए इसमें और पूरे बैकयार्ड में इक्वल घास हो जाए। पहले थोड़े से पैच में था, बना बनाया घास ले आते हैं हम बना बनाया घास मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं नीचे, अभी यहाँ पर शुरू हो गया, जैसे पूरा बैकयार्ड अभी पूरा बैकयार्ड ऐसे किया हुआ है। बैकयार्ड में उस दिन आप लोगों ने देखा था, आकाश और अंकल मिलके यहाँ पर पूरा, अमन भी, सब ने ये पूरा पीछे बैकयार्ड तैयार किया था, पूरा अब इक्वल कर दिया अंकल ने भी। पीछे हमारी छोटी सी हट है, उसको भी दिखाएंगे आपको एक दिन। तो अब ये पूरा तैयार है, इसमें सिर्फ हमें क्या लगाना है, घास लगाना है। अभी ये हमारी कुर्सियाँ रखी हुई हैं, हमारा सूरजमुखी ये औजार तैयार कर लिए हैं, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से हम घास लगाएंगे। तो आपको एक और चीज़ दिखाते हैं यहाँ पर। जैसे ये देखिए, बैकयार्ड बहुत बड़ा है तो उसमें ऐसे घास लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो क्या होता है, यहाँ पर ऐसे पूरे कारपेट के कारपेट आ जाते हैं घास के। मतलब आप ऐसे मत सोचना कि ये कारपेट है, ये कारपेट नहीं है, ये घास है। नीचे इसमें मिट्टी है तो ये ऑटोमेटिक जड़ पकड़ जाएंगे अगर हम इनको पीछे लगा देंगे तो। तो ये देखिए, इसकी हेल्प से हम डाल डाल के पीछे लेके जाएंगे और ये पूरा आप देख सकते हैं, इतना सारा घास लगेगा बैकयार्ड में। और ये देखिए आज का वेदर अच्छा है, धूप नहीं है, इतनी ठंड भी नहीं है, ओके ओके है तो ये देखिए आप, थोड़े बादल छाए हुए हैं। तो अब चलते हैं पीछे, थोड़ा सा काम शुरू हो चुका है घास लगाने का, तो वो भी आपको दिखाते हैं। ये बहुत इजी तरीका है, बस मार्केट से लेके आए, मेजरमेंट लेके जानी पड़ती है पहले, तो मेजरमेंट ले ली थी कल। देखिए जैसे ये लगाया हुआ है ना, यहाँ से शुरू करके वहाँ तक ऐसे, ये देखिए अब ये ऐसे ही पूरे उसमें बैकयार्ड में ऐसे लगा देंगे और हमारा बैकयार्ड फिर लगेगा बहुत ही ज़्यादा प्रीटी। गाइस अभी मैंने भिगो रखे थे मेरे ड्राई फ्रूट्स, मैं पहले ही खा लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये शुरू कर दिया, ये हमारे अंकल है। तो वहाँ ले जा और टेक ओवर ले। तो टेक वन, टेक या तो गेट, ऐसा जो तो आप लेते हैं। सी। अब ये यहाँ से उठा उठा के ऐसे डाल देंगे। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, एक नंबर का गार्डन बन जाएगा हमारा। अंकल फिर ये अपने आप सेट हो जाएगा। हाँ बस इस पे पानी
चार के इसमें पानी डाल देना, रोज पानी डालना पड़ेगा, इसको गिल्ला रखना पड़ेगा। ओके, दो वीक में स्टार्ट हो जाएगा ये। ओके, ये बहुत इजी है अंकल, कहना मैं ऐसे तो नहीं करते होंगे ना, जैसे घास लगाते हैं अलग से, सब यही लगाते हैं ना? ये है तो यही चलता है, महंगा पड़ता है ये थोड़ा, देखते हैं ना, ये ठीक है, ग्रास अच्छा जाता है, जो बीज से है उसमें वो वीड हो जाता है, बीज वाला पूरा 100% नहीं होता। ओके, उसको टाइम बहुत लगता है। ये महंगा तो है पर अच्छा हो जाता है। इजी भी तो है अंकल लगाने में। हाँ हाँ, इजी तो है, देखना कि कैसे प्लान सीधी नहीं होता, स्ट्रैग करते हैं, राइट। क्योंकि जैसे ना ये सभी एक नहीं, एक दूसरे को उल्टा लगाना पड़ता है। ओके, जैसे ब्रिक होता है ना, इससे ब्रिक पैटर्न बनते हैं, जो इसके जोड़ है ना वो साथ एक जैसे नहीं चाहिए, एक दूसरे को जैसे, इसलिए वहाँ छोड़ दिया। यहाँ ये देखिए और भी ला दिया, अब थोड़ी देर में पूरा हरा भरा हो जाएगा। ये गोरा लगा हुआ है काम पे। ये देखिए अब ये पूरा बड़ा पैच था तो अंकल इसकी कटिंग करके लगा देंगे। वो कटिंग करके लगा दिया, अब वो माइट भी इसमें फिट हो जाएगा इस साइड। ये देखिए ये यहाँ पर फिट हो गया, थोड़ा सा स्पेस है उसमें भी कुछ लगा देंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, थोड़े दिनों में यहाँ बिछा के चला करेगी जाट साहब की हुक और खाट, देसी ठाट, क्या बात है, ऊपर से इतना सुहाना वेदर, नाइस। तो आपको पूरा तैयार होने के बाद भी दिखाया जाएगा, फिलहाल आप ये देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। अब ऐसे पूरे बैकयार्ड में ऐसे लगा देंगे। सो लेट्स गो, गोरा लगा हुआ ढोने पे, अंकल का खड़ा है पिक्का, बस यहाँ पर ऐसे, ये हमारा पूरा ड्राइववे बहुत बड़ा है, इसका ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। यहाँ से उठा के और पीछे अंकल को दे रहे हैं ताकि फिर अंकल फिट कर दे उसमें। ये देखिए अभी इतना लेफ्ट है, we have to go this way by the fence here. Guys, यहाँ इनको बोलते हैं sod patches, जो अंकल ने मुझे बताया, मुझे भी नहीं पता था। तो देखिए अलग अलग पैच होते हैं तो सारा ऐसे कवर कर देंगे। तो अंकल ने बोला है कि 2 weeks तक हमें इसमें रेगुलर पानी देना पड़ेगा ताकि फिर ये जड़ पकड़ जाएंगे। सो लेट्स सी, चलो हम अपना काम करने चलते हैं। अंकल कितने कितने रुपए डॉलर का घास लेके आए हैं आप? लगाया 2000 डॉलर का लगाया आपने? है? खुद लगाया आपने? हाँ, मेरे साथ एक हेल्प लिया था, बंदा बुलाया था, वो लगा उसके हेल्प ले। तो जैसा ही गाइस आप सुन पा रहे हैं, अंकल ने खुलासा कर दिया है, 2000 डॉलर का घास लगाया है। लाख रुपए से ज्यादा बन जाएगा, ये देख लीजिए, लाख रुपए का प्लाट बन गया। अब वहाँ इंडिया में हो 3-4 मज्जे रखी होती तो काक हो, तो पट्टे पाने की जरूरत नहीं था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा बैकयार्ड हो गया तैयार। ये देखिए अमन का कहना है एक किले की ज्वार आती थी, चुप रहिए, एक किला कहीं उसको पानी चलता दिखा दे, इसे पानी लगता है। हाँ चलाए, दिखाऊंगे अंकल। हाँ अंकल, साल के नाम के, साल के नाम के 2 किले ठीक से पा जाते। अरे इतना महंगा तो बता यार, घास लग गया।
चाड़ा ही नहीं हो रहा है। ये देखिए देला कैसे है, है? ये तो फिर एक काम कर रहा है, वहां तक घास इंपोर्ट करने लग रहा है। वो इंडिया की सीड्स आने नहीं देते यहाँ पर। जैसा कि गाइस आप देख पा रहे हैं पीछे सब कुछ हो गया है रेडी। कितना अच्छा लग रहा है हमारा बैकयार्ड। अच्छा तो लगेगा, बन फूक रखा है। लाख रुपया लगा, अब तो अच्छा लगेगा। लाख रुपया फूक दिया या? ये देखिए